हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपर्णा। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। हम लोग आज अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था यूनिट 4, रीडिंग ए द आइज हैव इट। ये आपके चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो पहला चैप्टर पहले देख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। जो लड़का है वो विंडो की तरफ वो फेस किया हुआ था, वो विंडो से थोड़ा सा हटता है और लड़की की तरफ फेस करते हुए फेस करके बैठ बैठ जाता है। और कुछ देर तक जो दोनों हैं, ठीक है, लड़का और लड़की जो दोनों हैं वो कुछ देर तक साइलेंट शांति से बैठते हैं। और उसके बाद में लड़का जो है वो कहता है कि तुम्हारा जो फेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसको पता नहीं है एक्चुअल में कि जो लड़की का फेस है वो कैसा है, लेकिन वो फिर भी ये क्या है कह रहा है। उसके हिसाब से मीन्स कुछ लड़कियां जो रहती हैं वो ऐसा कमेंट सुन के क्या बहुत ज़्यादा फ्लैटरी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उनको ये चीज़ क्या है कॉम्प्लीमेंट लगती है। इसकी वजह से वो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जो है वो मीन्स उसको वो बता रहा है। ठीक है, फिर लड़की जो है वो धीरे से मुस्कुराती है, हंसती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। अब यहाँ पर लड़की है वो कह रही है कि मीन्स यहाँ पर ये लड़की लड़की बोल रही है कि ये सुन के अच्छा लगा कि मेरा फेस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं लोगों के मुँह से ये सुन के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ जब लोग कहते हैं कि मेरा मतलब मीन्स मेरे पास प्रिटी फेस है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये सुन के मैं थक चुकी हूँ। इसी कारण अच्छा लगा मुझे ये जान के कि मेरा फेस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस है। अच्छा, तो मीन्स यहाँ पर लड़का जो है वो सोच रहा है कि इसका मतलब कि तुम्हारे मतलब इसका मतलब जो लड़की वो क्या है काफ़ी अच्छी दिखती है, प्रिटी फेस है, वो काफ़ी सुंदर है, वो सोच रहा है ये चीज़। ठीक है, और फिर वो कह रहा है वेल हो सक एक इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी भी हो सकता है, मीन्स एक इंटरेस्टिंग फेस क्या है ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर भी हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस। आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। वी विल सून बी एट आवर स्टेशन, आई सेड। अब यहाँ पर लड़की जो है वो कह रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्या है यंग मैन हैं, लेकिन आप हमेशा क्या है इतने सीरियस क्यों रहते हैं। लड़का जो है वो यहाँ पर सोच रहा है कि उसको हंसना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसके हंसने की वजह से वो और ज़्यादा ट्रबल में आ जाए, तो वो ट्रबल में आ जाए, जिसके उसके बाद में फिर वो लड़की से कह रहा है कि हम अपने स्टेशन पे जल्द ही पहुँच जाएंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स। लड़की जो है वो यहाँ पर कह रही है कि थैंक गॉड यहाँ जो जर्नी है वो काफ़ी शॉर्ट है, मैं ट्रेन पे 2 से 3 घंटे से ज़्यादा तक नहीं बैठ सकती। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। अब यहाँ पर लड़का जो है वो सोच रहा है कि वो यहाँ पर जितना भी समय है उस समय तक क्या है वो बैठ सकता है और फिर उसकी बातों को सुनना सुन सकता है। मीन्स वो अब यहाँ पर अपना सोच रहा है कि मैं मतलब उस लड़की की बातों को सुनने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा रेडी है, जितना भी टाइम लगे जितने भी देर तक वो बात करे वो सुनना चाहता है। उसका उसके वॉइस पे एक स्पार्कल है, एक माउंटेन स्ट्रीम है, यहाँ पर वो बता रहा है, वो फील कर सकता है उस चीज़ को। जैसे ही लड़की जो है वो ट्रेन से चली जाएगी
वो ये जो एनकाउंटर है जो वो लोग मिले हैं उसको क्या है वो भूल जाएगी। लेकिन लड़के के साथ लड़का ये सोच रहा है कि लेकिन ये जो एनकाउंटर है वो मेरे साथ अपनी मेरी पूरी लाइफ की जर्नी तक ये रहेगा। द इंजन्स विशेल श्रिक्ड, द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। आई वंडर्ड इफ शी वॉर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वॉज प्लेटेड, परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट। अब यहाँ पर इंजन जो है वो बंद हो जाता है, जो साउंड है कैरेज का जो साउंड है और रिदम है वो भी बंद हो जाता है। वहाँ पर लड़की जो है वो उठती है और अपने सामान को कलेक्ट करती है, अपना सब सामान समेट रही होती है। उसी वक्त पे लड़का ये सोच रहा है कि उसके जो हेयर है, उसके जो बाल हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, क्या बन में है वो या फिर प्लेटेड है, मीन्स प्लेटेड है बन में है प्लेटेड है या फिर उसने अपने बाल खुले छोड़े हुए हैं, ये सारी चीजें वो सोच रहा है। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। अब यहाँ पर जो ट्रेन है वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचती है, उस वक्त का यहाँ पर बता रहा है, बाहर में जितने भी वेंडर्स है वो अपने उनका उन उनका शाउट उनका आवाज उनकी आवाज़ सुननी स्टार्ट हो गई है। उसी वक्त एक फीमेल वॉइस उस मीन्स उस कैरेज डोर के पास में एक फीमेल वॉइस आती है। वो इमेजिन कर रहा है कि जो वॉइस उसको सुनाई दे रही है वो उस गर्ल की आंट की होगी। फिर गुड बाय द गर्ल सेड। लड़की जो है वो लास्ट में लड़के को गुड बाय कहते हुए जा रही है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंडलाइजिंग। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव अवे, ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। अब यहाँ पर लड़का जो है वो इमेजिन कर रहा है कि किस तरीके से जो वहाँ का जो माहौल है वो है। लड़की जो है वो उसके काफ़ी पास में खड़ी हुई है, इतने पास में खड़ी है कि उसके हेयर का जो परफ्यूम है वो उसको वो स्मेल कर पा रहा है। वो अपना हाथ उठाता है लड़की के बालों को टच करने के लिए, लेकिन वो तब तक चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो परफ्यूम है वो वहाँ पर रह जाता है। देर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपोलोजी, देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। आई रिटर्न टू माई बर्थ, द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। वंस अगेन आई हैड अ गेम गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर। अब यहाँ पर मीन्स जैसे ही लड़की निकल रही होती है तो सामने में कोई दूसरा जो है वो एक मैन जो है वो शायद लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो उससे अपॉलोजी मांग रहा है, सॉरी कह रहा है उसको। फिर लड़की चली जाती है और डोर जो है वो क्लोज हो जाता है और लड़का जो है वो अपने बर्थ पर वापस से चला जाता है। फिर गार्ड जो है वो विसिल बजाता है, मीन्स ट्रेन चलने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर से लड़का जो है वो ये सोच रहा है कि जो वो गेम खेल रहा था, मीन्स लड़की के साथ में जो वो गेम खेल रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि वो ब्लाइंड है, प्रिटेंड कर रहा था कि वो ब्लाइंड नहीं है, वो फिर से अपने नए फेलो ट्रैवलर के साथ में वो गेम खेलेगा। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट स्टेयरिंग एट द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी। सो मेनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वॉट वेंट ऑन आउट देयर। ट्रेन जो है वो धीरे से अपनी स्पीड पकड़ लेती है, जो साउंड है व्हील्स का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है और वो विंडो विंडो में क्या है वो देख रहा है, विंडो के पास बैठे हुए वो देख रहा है, डे लाइट को देख रहा है और दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी। ठीक है, डे लाइट को वहां पर देख रहा है, क्यों मीन्स विंडो के पास में बैठ के वो देख रहा है किस तरीके से शाइन डे लाइट दिन में भी क्या है उसको अंधेरा दिख रहा है क्योंकि वो ब्लाइंड है। बाहर में बहुत सारी चीजें हो रही होंगी लेकिन वो सिर्फ उसको क्या कर सकता है, गेस कर सकता है।
द मैन हु एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रिवियर. ठीक है, अब जो जो दूसरा जो नया ट्रैवलर आया था वो मैन, वो यहाँ पर जो हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रिवियर. ठीक है, अचानक से लड़का जो है वो कह रहा है, जो मैन है वो कह रहा है लड़के से, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड. आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट. तो जो नया ट्रैवलर है, जो मैन है, वो यहाँ पर लड़के से कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा निराश हो गए होगे, मैं उतना अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं हूँ उसके मुकाबले जो जो चली गई. ठीक है, जो लड़की है उसके मुकाबले मैं उतना अच्छा ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं हूँ. येस, शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड. कैन यू टेल मी, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग एंड शॉर्ट? अब लड़का जो है वो कह रहा है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके जो हेयर थे वो लॉन्ग थे या शॉर्ट थे? फिर यहाँ पर जो मैन है वो कह रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन के साथ में कह रहा है कि मुझे याद नहीं है, मैंने बस उसकी आईज नोटिस की थी, मैंने सिर्फ उसकी आंखें देखी थी, उसके हेयर नहीं. शी हैड ब्यूटिफुल आईज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिडेंट यू नोटिस? ठीक है, अब यहाँ पर जो मैन है वो कह रहा है कि मैंने उसकी सिर्फ आंखें नोटिस की, उसके हेयर मैंने नोटिस नहीं किए थे. उसकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लाइंड थी, पूरी तरीके से वो भी क्या थी, अंधी थी. क्या तुमने नोटिस नहीं किया? ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो लड़का था वो सामने लड़का जो था वो लड़की के साथ में गेम प्ले कर रहा था, लेकिन लास्ट में उसको पता चलता है कि लड़की भी उसके साथ में सेम गेम खेल रही थी. यहाँ पर आपके ऑथर का नाम दिया हुआ है रस्किन बॉन्ड, और यहाँ पर नीचे में ऑथर के बारे में दिया हुआ है, आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा. आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. थैंक यू.